अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम देखेंगे कि आप रार फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आईएसओ फाइल को भी आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इसे फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रार फाइल के लिए तो विनरार जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो फाइल कंप्रेस की हुई होती है वो रार या जिप फॉर्मेट में होती है, आप उसे दोबारा से फोल्डर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो रार फाइल और डिस्क इमेज फाइल या फिर आईएसओ फाइल जो होती है, इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक ही सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जिसका नाम है विनरार। तो विनरार को डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है विनरार। विनरार टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे विनरार का, यहाँ पे आप देखें तो विनरार यहाँ पे winrar.com आपको यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप जाके तो अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास वर्जन आ जाएंगे, उस वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाय नाउ पे आपने इसे अगर परचेज करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करें, अगर आप फ्री डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो कि रजिस्टर्ड वर्जन में है, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक लिंक दिया हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी यही लिंक दिया हुआ होगा। आप इस लिंक को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी करें या फिर जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाएंगे। कॉपी करने के बाद आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें और यहाँ पे एंटर कर दें। पेस्ट करने के बाद तो आपके पास यहाँ पे एक ऐड चलेगा जो कि 5 सेकंड तक ऐड चलेगा। इस ऐड को आपने स्किप करना है। स्किप ऐड पे क्लिक करता हूं और यहां पे अपने डाउनलोड थ्रू योर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि बहुत कम टाइम में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसे शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका इस फोल्डर में शो हो जाएगा। मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फोल्डर में सामने आ गया विनरार। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसे एक्सट्रैक्ट आर पे क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दें। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुके और यहाँ पे देखें तो आपका 64-bit और 32-bit दो किस्म के सॉफ्टवेयर है। आप हाउ टू इंस्टॉल ये इंस्ट्रक्शन देखिए, आप पता चल जाएगा आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो है तो यहाँ पे विनरार, अब यहाँ पे देखिए तो रार का जो आपके पास देखें फोल्डर कैसा है जो कि कंप्रेस किया हुआ है, इसका फोल्डर नॉर्मल से है। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो उसका फोल्डर का देखिएगा, इसका फोल्डर का साइज चेंज होगा। अब विनरार 64-bit है और 32-bit है, 32-bit या फिर 86-bit से करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विंडो कौन सी है, आप अपने दिस पीसी या फिर माई पीसी यहाँ पे लिखा होगा या माई कंप्यूटर लिखा होगा डेस्कटॉप पे, तो आप उसको राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और वहां पे आप देखें तो सिस्टम टाइप में आप देखें यहाँ पे दिया हुआ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे आप देखें तो। और अगर आपके पास 64-bit है तो आप 64-bit के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और अगर 32-bit या 86-bit है उसके लिए आप ये नीचे वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो मैं सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करता हूँ और इसे रन करता हूं मैं, यस इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये तकरीबन आपके पास 30 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल सॉफ्टवेयर है। तो यहां पे आप देखें तो आपके पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओके करना है और डन करना है तो आपके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसको रजिस्टर करने के लिए आप देखें ड्रॉअर, इसका स्टाइल देखें चेंज हो गया, देखें इसका फोल्डर चेंज हो गया। RAR पे राइट क्लिक करें और इसे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास RAR रजिस्ट्रेशन की लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें यहाँ से और सी फोल्डर में जाके सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल वाला फोल्डर ओपन करें और यहाँ पे विन RAR लिखा होगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और रिप्लेस कर दें इसको कंटिन्यू, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर भी हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आप अपनी फाइल को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं RAR की मदद से
या फिर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रॉड की मदद से। तो आपकी फाइल ये कंप्रेस की हुई है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करना है और यहां से आपने ऐड टू अचीव पे क्लिक करना है, जिप में आपने जिप को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना, तो आपकी फाइल कंप्रेस हो जाएगी। अब आपका ये जो फाइल कंप्रेस है इनको एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, अब देखिए पहले इनका फोल्डर आपके पास यहाँ पे ये वाला स्टाइल नहीं था, इसका फोल्डर आपके पास सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अपीयर नहीं हो रहा था, तो अब आपके पास यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखें, तो देखें आपके पास ये सॉफ्टवेयर, आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है ये फोल्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इसकी डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जो डिस्क इमेज फाइल है, क्योंकि मैं जितने भी सॉफ्टवेयर के लिंक देता हूँ या फिर वो आपके पास रॉर या फिर जिप में कन्वर्ट होते हैं या फिर आपके पास वो डिस्क इमेज फाइल या फिर आईएसओ में कन्वर्ट किए होते हैं, तो इन दोनों को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको इसका पता चल गया होगा कि इसको आप कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि रॉर फाइल में होता है, रॉर या जिप फाइल में जो भी फोल्डर होते हैं, तो उनको आपने राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके पास ऑफिस 2010 ये जो डिस्क इमेज फाइल है या फिर आईएसओ फाइल जो होती है, ये फाइल इन फाइल के लिए एक्सेस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डिस्क इमेज जो आपके पास डिस्क इमेज फाइल होती है और इनको अपने डिस्क बर्न के नाम से ये फाइल होते हैं या फिर बर्न के नाम से होते हैं ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर माउंटेन डिस्क के नाम से ये फाइल या फोल्डर्स होते हैं। तो इन को आपने एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो लोग विंडो 10 या विंडो 8.1 यूज कर रहे हैं तो उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट राइट क्लिक करके इसको माउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डीवीडी का यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये फाइल माउंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सी डी और एफ ड्राइव यही ड्राइव है, अगर मैं यहाँ पे इसको माउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक और आ गया डीवीडी ड्राइव आपके पास आ गया, तो डीवीडी ड्राइव में आप देखें यहाँ पे सेटअप आ गया, आप जस्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ये माउंट में कन्वर्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस है, अगर ये फाइल जो आपके पास विंडो 10 या विंडो 8.1 नहीं और यहाँ पे डबल क्लिक करने से माउंट में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसके लिए आप विनरार को यूज करें, विनरार के लिए आप विनरार को इंस्टॉल करें और उसके बाद देखें यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसे कर सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी यहीं पे। देखें ये एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल आपकी, यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, उसका सेटअप आ जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि आप रार या जिप फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आईएसओ या डिस्क इमेज फाइल जो होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी फाइल को आप कैसे बर्न कर सकते हैं या फिर अपनी फाइल को आप कैसे जो है तो रार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रॉर में कन्वर्ट करने का तरीका था, लेकिन बर्न करने का तरीका मैंने आपको नहीं बताया, तो बर्न करने का तरीका जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लेसन तक इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।